हाय गाइस, वेलकम बैक टू ओरिजिनल म्यूजिक। आज है संडे और बज गए हैं 7। मैं एक कलाकार हूं और कला दिखाता हूं, कला खरीदता हूं, कला बेचता हूं और कोशिश करता हूं कि ये जो कला है घर घर तक पहुंचती रहे, कम दामों में पहुंचती रहे, बहुत आसानी से पहुंचती रहे, ताकि हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं किसी कला का समावेश जरूर हो, कहीं ना कहीं कोई कला उसके जीवन में रंग जरूर भर रही हो। लेकिन ओरिजिनल म्यूजिक को शुरू करने का पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो थी इस समय का जो बॉलीवुड सिनारियो चल रहा है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारी चल रही है, वो मोटिवेशन था ओरिजिनल के लिए। आजकल पुराने गानों का रिमिक्स बनाए जा रहे हैं और रिमिक्स के भी रिमिक्स बनाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं? और जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल या बहुत ज्यादा कानों को प्लेजर देने वाला नहीं है। और जो चीजें अच्छी बन रही, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छा म्यूजिक बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री में अच्छा म्यूजिक नहीं बन रहा है, लेकिन जो म्यूजिक बन रहा है उसको सपोर्ट करने वाले बहुत कम है। सब लोग कंटेंट क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, क्वालिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। इश्क हवा जदो लग जाए तो कोई कैद ना काम आए, इश्क हवा जा तो लग जाए तो कोई वैद ना काम आए, इश्क हवा जा तो लग जाए तो कोई वैद ना काम आए। तू ही तू है सांसों में और दूजा नाम नहीं आए, तू ही तू है सांसों में और दूजा नाम नहीं आए। आ जा बैरिया आ जा मैनू आके सता जा। हाँ बिल्कुल, मैंने पियरवा बनाया था 2017 में और ये गाना जी बनाया गया था ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे, जो ट्रिपल तलाक के नाम पे जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, उसके ऊपर ये गाना बनाया गया था। और बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये गाना और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके बाद फिर अगला गाना मैंने बनाया था 2018 में, आजा सैया, जो LGBTQ कम्युनिटी पे बनाया गया था। और वो गाना इंडिया से ज्यादा बाहर बहुत हिट हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। इंडिया में तो LGBTQ कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं, इसीलिए ये गाना बना। इस गाने के पीछे जो मोटिवेशन था वो वही था। और बाहर जो था लोग खुलकर बोल पाते हैं तो बाहर उसको बहुत सपोर्ट मिला, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे। तो ये दो गाने आए थे और इसके बाद आगे जो गाने आ रहे हैं, अभी दिल्ली दंगों पे गाने आने वाले हैं, गाना आएगा दिल्ली दंगों पे। और उसके बाद मैंने आपको जो अभी सुनाया है ये तो बहुत ही ट्विस्ट है इस सॉन्ग में, इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। आजा बैरिया जो मैंने आपको बताया है, प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी हाँ मैं पूजा तेरी, ओ तेनू अखिया दे ओ तेनू अखिया दे ओ तेनू अखिया दे विच में सजाया जी कर वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, ओ किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया जी कर वेखदा रवां। तो उड़ान की शुरुआत वहीं से हुई थी 9 जून से। तो एक मेरे को इवेंट्स कराने का बहुत शौक है, क्योंकि हमने बताया कि म्यूजिक वाले का विजन है ट्रेनिंग देना। तो म्यूजिक वाले में जो बच्चे ट्रेंड होते हैं, जो हमारे रॉटन गिटार्स में बच्चे ट्रेंड होते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में, तो इन बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए एक हमने इवेंट क्रिएट करा था जिसका नाम था उड़ान। तो उड़ान जो इवेंट था वो हमारा हाईली सक्सेसफुल रहा था। तो उन छोटे छोटे बच्चों को जब स्टेज पे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में और इतनी ज्यादा क्वालिटी के साथ मेरे गेस्ट, मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स लोगों ने देखा, तो उसमें उन लोगों ने सपोर्ट करना चाहा कि भाई इन लोगों को और बड़ा प्लेटफॉर्म दीजिए, इनको एक परमानेंट प्लेटफॉर्म दीजिए। और जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है कला को आगे बढ़ाने के लिए, फंड्स की ज़रूरत है या कुछ एसेट्स की ज़रूरत है, एक्सेसरीज की ज़रूरत है, तो वो आप इनको प्रोवाइड कराइए। तो उस उद्देश्य के लिए उड़ान खोला गया मैं है। चाहती हूँ कि आपने अपने इतने सारे ओरिजिनल गाने क्रिएट किए हैं और दो नए और आने भी वाले हैं, तो वो क्रिएट करके आपको कैसा फील होता है? वो गाना क्या है? गाना एक सोच है। मैं किसी महिला से प्यार करता हूँ, मैं किसी मर्द से प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ या मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूँ, तो आपको क्या करना है?
आपको अपनी फीलिंग्स को बस इजहार ही तो करना है, बोलना ही तो है, बस वही है संगीत है, बस सिंगर उसको गा देता है। तो आप लिखिए, आप जो सोचते हैं वो लिखिए, वो लिखिए, जी जी संगीतकार सर, उसमें म्यूजिक डालेगा, सिंगर उसको गाएगा, तो हर दूसरा बंदा ये काम कर सकता है। अगर आप गाना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग लीजिए।